बोले कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस टाइम मौजूद है हम शास्त्री पार्क में और एक सुंदर विशाल दरबार सजा हुआ है कावड़ियों के लिए, भोले के भक्त के लिए, आशीर्वाद के लिए। और आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से लोगों की व्यवस्था भी है, भोले जो भोले आएंगे उनके रहने की खाने की व्यवस्था है। और साथ ही मेरे पीछे देख सकते हैं पीछे बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर एक डाक कावड़ आते हुए दिख रही है और यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ साथ दिख रही है कि जो भोले आ रहे हैं उनको पानी पिलाने में सेवा में लगी हुई है। आइए कुछ महिलाओं से पूछते हैं किस तरीके से 2 साल बाद ये कावड़ लेके आ रहे हैं तो कुछ सेवा में लगी हुई है। उर्मिला माथुर। 2 साल बाद जब कावड़ का मौका मिला है तो किस तरीके से सेवा को लेकर? 2 साल से लग नहीं रही थी, इस टाइम का हम लोग इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से, अब लगी है तो भोले की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप बताइए बहुत अच्छा सेवा लग रही है, स्टॉल लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। भोलों की सेवा जितनी करी जाए उतनी थोड़ी है। मेरा नाम मेघा है। 2 साल बाद सेवा लगी है, हम लोग आए हैं बहुत दूर से सेवा करने के लिए, ये लोग इतनी दूर से जल लेके आ रहे हैं तो हम कम से कम इनको पानी तो पिला के थोड़ा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं ना। तो साफ तौर पे देखा गया है कि किस तरीके से महिला यहाँ पर सेवा करते हुए दिख रही है। 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद यहाँ पर भोले की कावड़ लेके आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं स्थान पर। आइए कुछ आगे की आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लगी दिख रही है, भोले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, दूर तक आप देखेंगे तो एक डाक कावड़ आते हुए आपको दिख रही है। बोले सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है भोलेनाथ विनय सैनी। बताओ अपना। संजय सैनी, श्री राम कृष्ण मंदिर गुड़गांव की एक कावड़ है। हरिद्वार से आप लोग आ रहे हैं तो कितना टाइम लगा वहाँ से आने में? हमें सर मैक्सिमम 9 दिन लगे हैं। 9 दिन जी। किस तरीके से पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट का किस तरीके से आपको सुविधा मिली? भोले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सच है यूपी में हमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परिंदा भी पर नहीं मारा। और यहाँ दिल्ली में आते ही पंखे चालू हो गए, अभी पीछे कावड़िया की कोई गाड़ी वाला मार के चला गया और वो भाग गया। और यूपी में हमारे को कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और हमारी 48 साल महाकावड़ आ रही है, कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये बताएंगे कि आप 2 साल बाद कावड़ ले जाने को मिल रही है तो आपको कितनी खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में 2 कावड़ बंद थी, डाक कावड़ जाना या विशाल कावड़ जाने का, तो इस बारे में बताइए। सर हम कावड़ तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कावड़ अगर खुली है तो बहुत हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके अंदर 2 साल बंद थी तो हम भी बड़े दुखी थे और भी बहुत से हैं भोले, ये नहीं हम ही हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो बड़े दुखी थे कोरोना के चक्कर में जो कावड़ बंद थी। अब जो खुली है ये भी सरकार का चलो मान लेंगे, बीमारी आ गई है उसकी तरह हो गया है, पर अभी कावड़ खुली इसमें बहुत सभी भोले खुश हैं, करोड़ों कावड़ आ रही है। कल रात को भी बहुत गई है, टेम्पू में डाक कावड़ भी गई है, बाइक वाले भी गई है और पैदल वाले भी गई है अपने। और ये हमारी विशाल महाकावड़ है हरिद्वार से और गुड़गांव हरियाणा। बोले मैं आप सबसे जाना चाहूँगा, एक बार मैं बोलना चाहूँगा, जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, मैं भी जयकारा लगाऊंगा भोले का कम से कम, कि लोगों को एकदम जिनको नहीं भी सुनाया जाता, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको नहीं पहुँचती आवाज, तो हमें उन सब भक्तों तक आवाज़ पहुँचानी है, तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए सब मिलके, लगाइए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बम बम, बोल शंकर भगवान की जय, बोल बोल महादेव। मेरा नाम विष्णुकांत तिवारी है, मैं शास्त्री पार्क से रहता हूँ। ऐसा इस भोलों के लिए जो है ये कहा गया है कि जो है सबसे पहले भगवान शिव जी का जो है 26 तारीख को संध्याकालीन में जो है
या अभिषेक का जल चढ़ाया जाता है, लेकिन संध्या काल में भगवान शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है संध्या कालीन में जो है, तो इसलिए जो है 27 तारीख को जल चढ़ाया जाएगा। 27 तारीख को भगवान शंकर जी को सर्वप्रथम जो है उनका जो है ध्यान लेकर के जो जल लेकर के हरिद्वार से या जो गौमुख से लेकर के जल को लेकर आते हैं उसे भगवान शंकर जी के ऊपर जो है श्रद्धा भाव से विनय के साथ में उसे चढ़ाया जाता है और उसे चढ़ा कर करके भगवान से अपने मनोकामना को अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो है प्रार्थित किया जाता है, भगवान का ध्यान किया जाता है कि हमारी मनोकामना को हमारे घर परिवार को हमारे कष्टों को दूर को रोगों को नष्ट करें, हमारे कल्याण करें। जय भोले की।